संसद सत्र की शुरुआत से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आम बजट को लेकर कहा कि यह अगले 5 साल की दिशा तय करेगा और 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगा। पीएम मोदी ने जून में सरकार बनने के बाद लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष के हंगामे की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि संसद दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को चुना है, पहले सत्र में उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कामंड रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने के निर्देश के अमल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकार ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर यूपी सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अभी यह फैसला 2 राज्यों में हुआ है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक और दलितों को अलग अलग किया जा रहा है। नीट मामले की सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिजिक्स के 2 सही ऑप्शंस वाले सवाल नंबर 19 की पड़ताल होनी चाहिए। 2 सही ऑप्शंस देने से 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले और 4,20,000 कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ। इस पर आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर 2 जवाबों वाले सवाल की जांच के लिए 3 मेंबर्स की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए। एक्सपर्ट टीम उनमें से एक सही ऑप्शन चुनकर कल 12 बजे तक रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजे। नीट गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। अगली सुनवाई कल यानी कि मंगलवार को होगी। नीट परीक्षा को लेकर आज संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इसी दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, उनके इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री बोले कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा उसे माना जाएगा। कोर्ट ने सभी छात्रों के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था जो पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी ने इस दौरान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश का एग्जाम सिस्टम फ्रॉड हो गया है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच साबित नहीं हो जाता। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। आज संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने सांसद रामप्रीत मंडल की ओर से पूछे गए सवाल का लिखित में जवाब देते हुए कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने का जो बिहार का अनुरोध है उसका 2012 में एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने मूल्यांकन किया था और पाया था कि मौजूदा मानदंडों के आधार पर बिहार इस दर्जे के लिए योग्य नहीं है। केंद्र के जवाब पर आरजेडी ने नीतीश कुमार और जेडीयू पर तंज कसा है। सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को 58 साल बाद हटा लिया है। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बारे में बयान जारी नहीं किया गया है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आदेश का स्क्रीनशॉट शेयर किया। उन्होंने कहा कि 58 साल पहले जारी एक असंवैधानिक निर्देश को मोदी सरकार ने वापस ले लिया। इस आदेश पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वो राज्य में घुसपैठ को जायज ठहरा रही हैं। बीजेपी ने यह आरोप ममता बनर्जी के उस बयान के बाद लगाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बांग्लादेश के हिंसा प्रभावित लोगों को राज्य में शरण देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से कहा कि भारत की एकता को कमजोर करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बयान पर हमला करते हुए रविशंकर प्रसाद ने हैरानी जताई की और कहा कि उनके कहने का मतलब क्या है। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 4 से 9 इंच तक रिकॉर्ड बारिश हुई। इससे नदियां उफान पर हैं। कई शहरों में सड़कों, घरों में पानी भर गया है। हिल स्टेशन पचमढ़ी और धूपगढ़ में लैंडस्लाइड हुए हैं। गुजरात में 26 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और सहारनपुर में तेज बारिश हुई है।
सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया है। राजस्थान में 25 जुलाई तक सभी जिलों में हल्की से मध्य बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। आज नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और रायगढ़ जिले के स्कूलों में एक दिन की छुट्टी कर दी गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमें और नागपुर में 1 टीम को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ को वसई, ठाणे, घाटकोपर, पवई, महाड, खेड़ और चिपलून में तैनात किया गया है। सरकार ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। दिल्ली में आज डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस मेट्रो पिलर से टकरा गई। इस हादसे में एक 45 साल की महिला की मौत हो गई। बस में सवार 24 अन्य यात्री घायल हो गए। डीटीसी की एक अधिकारी ने दावा किया कि बस अपनी लेन में चल रही थी, एक मोटरसाइकिल सवार और ऑटो रिक्शा को बचाने के चक्कर में बस पिलर से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि रोहतक रोड पर शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास सुबह करीब 7:30 बजे यह घटना हुई।